सोमवार को खजनी पुलिस ने दो पशु तस्करों को असलहे के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से तीन गाय लदे पिकअप भी बरामद किया गया है। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेजा गया है। आरोपियों की पहचान खजनी के चकंदह निवासी मोहित यादव पुत्र राम समुच यादव निवासी ग्राम चकंदह थाना खजनी जनपद गोरखपुर और वहीं के जनार्दन यादव पुत्र सत्यनारायण यादव के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक बीते कई दिनों से पशु तस्करों के वारदात की सूचना पर पुलिस उनकी तलाश में थी। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि बांसगांव रोड पर गुगहरा पुल के पास तस्कर गुजरने वाले हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम वहां पर पहुंचकर चेकिंग करने लगी। चेकिंग के दौरान पिकअप को रोकने का प्रयास किया गया तो वह पिकअप को मोड़कर रोड से नीचे उतरकर भागने लगे। इसके बाद घेराबंदी कर गो तस्करों को तीन गाय लदे पिकअप के साथ पकड़ लिया गया। आरोपी पहले भी पशु तस्करी के आरोप में जेल जा चुके हैं। आरोपियों के पास से तीन अदद गाय लदे पिकअप एवं एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक बबलू कुमार, कांस्टेबल ओम प्रकाश सिंह, इम्तियाज अहमद, कांस्टेबल रविन्द्र यादव, कांस्टेबल रविन्द्र वर्मा और कांस्टेबल शांतनु तिवारी शामिल रहे।